हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे, वो हीटर भी ऑपरेट होंगे और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अपना काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है
और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया, मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, वो हीटर भी ऑपरेट होंगे, और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का, अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है, और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी, तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अपना काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए, और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है, और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है।
चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया, मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे, वो हीटर भी ऑपरेट होंगे, और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का, अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिब्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है, और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी, तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अब काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए, और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है, और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक
14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया, मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, हीटर भी ऑपरेट होंगे, और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का, अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है, और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी, तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए, और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है, और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है,
वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी, तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया, मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, हीटर भी ऑपरेट होंगे, और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का, अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिब्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुट चुका है, और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी, तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अब काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए, और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो हैं साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है, और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं।
सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी, तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया, मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे, वो हीटर भी ऑपरेट होंगे, और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का, अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम में दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुट चुका है, और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी, तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अब काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए, और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है, और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते।
इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी, तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया, मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे, वो हीटर भी ऑपरेट होंगे, और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का, अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम में दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है, और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी, तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अब काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए, और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है, और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और हैं, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे
और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी, तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया, मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, हीटर भी ऑपरेट होंगे, और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का, अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है, और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी, तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए, और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है, और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और हैं, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी,
तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया, मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी, पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, हीटर भी ऑपरेट होंगे, और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का, अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है, बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी। तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए, और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा, और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी, तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो
सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया मतलब उसके बाद, मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी, पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हो, हीटर भी ऑपरेट होंगे और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है माइनस 200 डिग्री का अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है, बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी। तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया मतलब
उसके बाद मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले 16 सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी, पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हो, हीटर भी ऑपरेट होंगे और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है माइनस 200 डिग्री का अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है, बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी। तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया मतलब उसके बाद मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी,
पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, हीटर भी ऑपरेट होंगे और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है काम किया है जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया मतलब उसके बाद मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, हीटर भी ऑपरेट होंगे और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है माइनस
200 डिग्री का अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अब काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और हैं, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया मतलब उसके बाद मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, वो हीटर भी ऑपरेट होंगे और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा।
चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अब काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और हैं, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया मतलब उसके बाद मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास, तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, वो हीटर भी ऑपरेट होंगे और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है।
अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अपना काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए और वो जो गैस पैदा हुई है उसका फिर जो है जो कुछ भी रोशनी आई उसका जो स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसके आधार पर जो है इसरो ने अपनी फाइंडिंग्स जो है साझा की हैं। चांद पर हाइड्रोजन का मिलना इसीलिए भी बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है और चांद पर इसके मिलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावना खुल सकती है। चंद्रयान 3 के पास अभी 7 दिन और है लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के आगे भी काम करने की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिन बाद जब चांद पर रात होगी तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप पोर्ट में डाला जा सकता है। वजह यह है कि दोनों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। सूरज ढलने पर चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसमें दोनों काम नहीं कर सकते। इसरो का प्लान है कि जब फिर चांद पर सूर्योदय होगा तो रोवर और लैंडर दोनों को एक्टिव किया जाएगा और अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर से काम शुरू कर देंगे और ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे। मेरे राय में 3 तारीख को नाइट चालू हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक स्लीप मोड में चली जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जब सनलाइट दोबारा से सन आया मतलब उसके बाद मतलब आप समझिए 18 सितंबर के आसपास तो पहले सोलर सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने से अंदर हीटर लगा रखे हैं, वो हीटर भी ऑपरेट होंगे और होपफुली इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोरेज है -200 डिग्री का अगर वो काम करती है तो ये मेरे नाम दोबारा 15 दिन काम करेगा। चंद्रयान 3 फिलहाल 14 दिन के मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और इन दिनों में चांद की अहम जानकारियां जुटा रहा है, डेटा भेजने में लगा है। अब तक चंद्रयान ने जो भी जानकारी भेजी है वो ऐतिहासिक है और उसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की खोजों से
भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 हर दिन रच रहा है इतिहास। 7 दिन में चांद पर कोई बड़ी खोज से भारत ने जगाई चांद पर जीवन की आस। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम हर रोज नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अब तक चंद्रयान 3 इसरो को 10 तस्वीरें और 4 वीडियो भेज चुका है, जिसमें चांद के कई अहम राज खुले हैं। चंद्रयान 3 ने पहले साउथ पोल के तापमान का डेटा भेजा, तो अब उसने ऐसी अहम खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसरो ने इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है। प्रज्ञान रोवर में लगे लिप्स उपकरण के जरिए चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर का पता चला है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता लगा है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर का मिलना इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्रमा पर मिलने वाला दुर्लभ तत्व है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा होता है और चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह भी है कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर का मिलना वहां बर्फ के रूप में पानी होने का संकेत भी दे सकती है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी पता चला है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज में जुड़ चुका है, और अगर हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी की खोज में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। सल्फर की मौजूदगी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आप समझिए कि लावा एक्टिविटी से है। बेसाल्टिक रॉक्स में जो है इसकी मौजूदगी रहेगी, तो ये एक किस्म से एक इंडिकेटर है चंद्रमा के इतिहास का। चंद्रमा के इतिहास का अर्थ है कि पृथ्वी के भी इतिहास का और सौरमंडल के इतिहास का भी। तो लिप्स ने जो है अपना काम किया है, जैसे रोवर इधर उधर घूम रहा है और जो कमेंट्स तो पृथ्वी से जाती हैं, तो उसने लिप्स ने जो कि लेसर बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसने चंद्रमा की ज़मीन के जो पदार्थ को जलाया है लेसर के बीम के ज़रिए।